सब्सक्राइब कीजिए पासी चैम्प चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की कौन सी मेडिसिन होती है, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैम्प चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की मेडिसिन इस बात पर वेरी करती है कि आपने कितने टाइम पीरियड पर मेडिसिन को यूज़ करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है और अगर आपने अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो आप अगर आपके पास टाइम है 72 घंटे से पहले का, तो आप कोई भी पिल को ले सकते हो, जैसे आई पिल या फिर अनवांटेड 72 पिल को आप ले सकते हो। सिंगल टैबलेट होती है और जितनी जल्दी आप लोगे उतना ही इस टैबलेट का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगला है, अगर आप लेट हो जाते हो 3 दिन के बाद में, तो आप क्या कर सकते हो, तो उस कंडीशन में भी आपके पास टाइम होता है और ऐसे में आप कॉपर टी को इम्प्लांट करवा सकते हो। लेकिन कॉपर टी या फिर इंट्रायूटेरियन डिवाइस उन लोगों के लिए ही होता है जिनका अबॉर्शन हुआ है या फिर जिनकी डिलीवरी हुई है। अगर आप अनमैरिड हो तो आप कॉपर टी या फिर इंट्रायूटेरियन डिवाइस को अपने शरीर में इम्प्लांट नहीं करवा सकते। ओके, तो अब करना क्या है, तो गाइस देखिए, अगर आपका टाइम पीरियड 3 दिन से ज़्यादा है और 5 दिन निकल चुके हैं और ऊपर का टाइम पीरियड है, तो आपको किट लेनी पड़ेगी। किट लेने का मतलब ये है कि आपको अनवांटेड किट या फिर खुशी के किट या फिर आपको MTP किट या फिर मेफेजेस्ट किट, ये कुछ अबॉर्शन किट है, इंडिया में पॉपुलर ब्रांड्स हैं ये, और आपको ये किट लेनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इन किट को कैसे लिया जाता है, ठीक है, कहाँ से मिलती हैं। तो गाइस देखिए, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी गायनी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या फिर किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जिसके पास लाइसेंस हो MTP किट को प्रेस्क्राइब करने का, जो कि ऑथराइज्ड हो। मतलब कहने का है कि जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हो, जिसके पास लाइसेंस हो इन मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने का, जो जनरली किसी भी गायनी डॉक्टर के पास में होता है, तो आप उन डॉक्टर के पास विजिट करें। जाते समय आपको आधार कार्ड लेके जाना है, साथ ही एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है। वहाँ पर वो आपका कंसेंट लेंगे। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में आपका जो भी गार्डियन होगा उसके कंसेंट वहाँ पर चलेंगे। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपके वो साइन लेंगे और आपको ये टैबलेट, ये जो किट है, वो प्रेस्क्राइब कर देंगे। ओके, आगे बात करते हैं कि कितने टाइम की प्रेगनेंसी इस किट के माध्यम से ख़त्म की जा सकती है। तो गाइस देखिए, जो सेफ टाइम पीरियड होता है वो है 30 दिन से 49 दिन का, ठीक है। अगर आप 30 दिन से पहले इन किट्स का यूज़ करोगे तो आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता। साथ ही अगर आप 49 दिन के बाद में इस किट का यूज़ करोगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन होने के। अगर आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन होएगा तो हैवी ब्लीडिंग होगी। हैवी ब्लीडिंग होने पर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल होता है, साथ ही इसके चलते आप शॉक में भी जा सकते हो और अननेसेसरी आपको आगे सर्जिकल प्रोसीजर करवाना पड़ सकता है उस अनकम्प्लीट अबॉर्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस किट को कैसे लेना होता है और कौन कौन से इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़ उसको जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो को जान सकते हो। पूरी तरह से वो परमानेंट वीडियो है कि आपको किट को कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किन लोगों को नहीं लेना, लेने का तरीका क्या है, क्या एक्सपेक्ट करते हो, सभी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।